वेलकम इन आर एस के मैथ्स मोनिटर चैप्टर हमारा सेकेंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज टू पॉइंट टू समर फर्स्ट करेंगे हम राइट द नंबर जो गिवन नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है यानी टेन की पावर एन की फॉर्म में है यहाँ पे हम उसको राइट द नंबर यानी एक्सपैंड नंबर से उसको क्लोज करके नंबर फॉर्म में राइट करेंगे इसको लिखने का सबसे ईजी वे क्या है कि हमारे पास देखो थ्री इज द फर्स्ट नंबर टेन की पावर एट यानी इसके बाद हमारे पास एट प्लेस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके बाद टोटल हमारे पास एट प्लेस है अब यहाँ से अगर टेन की पावर एट अगर कॉन्टिन्यू नंबर है इट मीन्स हमारे पास नंबर कॉन्टिन्यू डायरेक्ट हम राइट करेंगे अब यहाँ पर टेन की पावर एट टेन की पावर सेवन वो नंबर मिस है है नहीं इट मीन्स उसकी जगह हम जीरो पुट करेंगे इट मीन्स हमारे पास टेन की पावर सेवन प्लेस वाला ज़ीरो टेन की पावर सिक्स प्लेस वाला हमारे पास फाइव सिक्स के बाद सेवन है ये फाइव फिर ये डिजिट हमारे पास फोर फिर हमारे पास थ्री वाला भी नंबर है टू वाला नंबर भी है और वन नंबर भी है और यहाँ से टेन की पावर जीरो यानी टू टेन की पावर जीरो इन टू मीन वन टू वन जहा टू तो ये हमारे पास होंगे इस तरह से हम इसको प्लेस को क्लोज़ करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में अब इसमें देखो बी पावर बी पार्ट में फाइव फाइव के बाद हमारे पास टेन की पावर फाइव यानी फाइव प्लेस और है वन टू थ्री फोर फाइव प्लेस और है हमारे पास फाइव फोर थ्री टू वन और जीरो इट मीन्स कॉन्टिन्यू नंबर है टू वन सेवन नाइन एंड थ्री कॉन्टिन्यू नंबर अब आगे चेक करते हैं टेन थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस वन जो हमारे पास डेसिमल वाले नंबर यानी अगर जीरो पॉइंट थ्री है तो हम कैसे राइट करेंगे उसको थ्री डेसिमल हटाने का हमारे पास प्लेस वन है तो वन जीरो एइट करते हैं अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी डिनोमिनेटर से अगर किसी नंबर को ऊपर लेके जाएंगे अपनी मर्जी से तो उसकी पावर का साइज हो जाए यानी टेन की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन यानी इट मीन्स जो माइनस वन है हिंट हमारे पास ये है कि अगर कोई पावर माइनस में है इट मीन्स वो डेसिमल वाला नंबर है अगर माइनस वन है तो डेसिमल वाला फर्स्ट नंबर है वो माइनस टू है तो डेसिमल पे सेकंड प्लेस उसका अब देखिए यानी यहां से जीरो नंबर खत्म अब ये टेन की पावर माइनस वाला नंबर इट मीन डेसिमल के बाद माइनस वन है तो फर्स्ट नंबर थ्री का माइनस टू है तो एट नंबर का सेकेंड माइनस थ्री है तो ये आपका थर्ड नंबर पे है तो दिस इज योर नंबर सेम हमारे पास नेक्स्ट भी एज इट इज ही करेंगे यहाँ पे अब देखें सिक्स सिक्स के बाद कितने प्लेस हैं थ्री वन टू थ्री यहाँ से टू थ्री वन यहाँ से देखो ये हमारे पास टू यानी ये हमारे पास है फाइव यहाँ पे टेन की पावर जीरो वाला प्लेस नहीं है क्योंकि जीरो टेन की पावर वन के बाद जीरो आता है वो प्लेस नीट इट मीन्स वहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे क्योंकि आगे हमारे नेगेटिव नंबर आ गए नेगेटिव पावर वाले इट मीन्स वो डेसिमल वाले नंबर है माइनस वन है तो सेवन फर्स्ट प्लेस पे है माइनस टू है तो फाइव सेकेंड प्लेस पे है माइनस थ्री नहीं है इट मीनस उसका प्लेस क्या है ज़ीरो फिर हमारे पास माइनस फोर है यानी टू से फोर्थ प्लेस पे है माइनस फाइव है मीन नाइन फिफ्थ वन टू थ्री फोर फिफ्थ प्लेस पे है हमारे पास नाइन है तो इस तरह से हम इसको डेसीमल में कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट नंबर को एक्सपेंड से क्लोज करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लियर है कि हमारे पास वन मल्टीप्लाई में टेन की पावर में कन्वर्ट करेंगे वन के बाद कितने प्लेस हैं उतनी ही टेन की पावर होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टेन की पावर हमारे पास हो गया सेवन फिर प्लस सिक्स की पावर हमारे पास सिक्स होगी फिर प्लस वन की पावर हमारे वन मल्टीप्लाई टेन की पावर हमारे पास फाइव फिर एट एट की पावर हमारे पास फोर टेन की पावर फोर होगा फिर एट के बाद हमारे पास टू है टू की प्लेस यानी टेन की पावर हमारे पास थ्री अब हमारे पास टू और वन ये दोनों जीरो प्लेस हैं प्लस में फोर और टेन की पावर लास्ट है तो हमारे पास जीरो हो गए इट मीनस जो जीरो के प्लेस हैं उनको हम मिस भी कर सकते हैं थ्री टू वन का प्लेस नहीं है तो यहाँ पे जीरो इस तरह से अगर नंबर देखो सी पार्ट देखते हैं डेसिमल में है तो कैसे यहाँ से फिफ्टी थ्री कंप्लीट नंबर है यानी फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर टू सॉरी वन ही आएगा क्योंकि फाइव के बाद वन प्लेस टेन की पावर वन प्लस में थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर जीरो हो गया कि वंस के प्लेस पे है फिर प्लस में टू मल्टीप्लाई टेन डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है तो माइनस वन सेवन मल्टीप्लाइड डेसिमल के बाद सेकेंड नंबर है तो पावर माइनस टू फोर मल्टीप्लाई डेसीमल के बाद थर्ड प्लेस है तो माइनस थ्री जीरो मल्टीप्लाई टेन डेसीमल के बाद फोर्थ प्लेस है तो माइनस फोर तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे डेसीमल वाले नंबर को भी नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्रेस द फ्लोइंग लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है ए मल्टीप्लाई टेन की पावर एन यानी सभी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे सिर्फ ए नंबर एक ही नंबर हम छोड़कर बाकी सभी को टेन की पावर में कन्वर्ट करेंगे अगर वो जीरो है तो नेचुरली टेन की पावर में कन्वर्ट हो जाए लेकिन द, अगर नंबर है तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे यहाँ पे थ्री को हमारे पास एक ही जगह हम थ्री मल्टीप्लाई इसके बाद हमारे पास टू प्लेस बचते हैं टू एट मल्टीप्लाई टेन की पावर कितनी होगी टोटल प्लेस हमारे पास क्योंकि डेसिमल भी हमने कन्वर्ट कर दिया यानी सिर्फ एक नंबर को छोड़कर बाकी प्लेस कितने वन टू थ्री फोर फाइव तो टेन की पावर हमारे पास हो गया फाइव यानी ए एक ही नंबर हम कंप्लीट छोड़ेंगे बाकी सबको हम डेसिमल में अगर डिजिट है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और जीरो तो आपकी पावर में आ जाएगी यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सिक्स पॉइंट टू सिर्फ टू है तो आपका पॉइंट में आ जाएगा एक प्लेस ही हम यानी एक नंबर ही हम छोड़ेंगे बाकी सबको हम मल्टीप्लाई टेन की पावर जो नंबर है वो डेसीमल में कन्वर्ट हो जाएगा और जीरो बाकी को हम अब सिक्स के बाद सिक्स ही कम्प्लीट नंबर बाकी हम डेसीमल पावर में कन्वर्ट कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन नंबर तो टेन की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा इलेवन तो दिस इज योर आंसर तो इस तरह से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारा सिंपल नंबर है ये इसके लास्ट में जीरोज हैं इट मीन्स ये पॉजिटिव है जब हमारे पास डेसिमल वाले नंबर है तो हमारे पास पावर नेगेटिव में होगी जैसे हम इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे हमारे पास फोर पॉइंट ज़ीरो सिक्स टू यानी जब तक डिजिट है जब तक तो हम डिजिट ही राइट करेंगे कंप्लीट नंबर फोर है उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे बचे हुए नंबर और बाकी टेन अब फोर के बाद कितने प्लेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन टेन की पावर हमारे पास हो जाएगा थर्टीन यानी जो ये प्लेस हैं ये भी बाकी तो ज़ीरो और थ्री प्लेस ये भी इसमें काउंट हो जाएंगे तो दिस इज़ योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्रेस द फ्लोइंग स्मॉल नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन वही हमारे पास ए मल्टीप्लाई टेन की पावर एन अब ये हमारे पास डेसिमल वाले नंबर डेसिमल वाले नंबर को जैसे हमने पहले भी क्लोज किया था तो ये वाले नेगेटिव नंबर है यानी हमारे पास पावर नेगेटिव में होती है अगर डेसिमल हो अब डेसिमल वाले एक नंबर हमारे पास हम डेसिमल वहाँ तक मूव करेंगे जहाँ तक वन प्लेस नॉन जीरो नंबर आ जाए फाइव इज नॉन जीरो जीरो को छोड़कर इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे फाइव यानी फाइव एक ही नंबर हमारे पास फाइव पॉइंट एट होगा मल्टीप्लाई टेन की पावर नेगेटिव होगी डेसिमल वाले नंबर में हमारे पास पावर नेगेटिव होगी जो हम पावर में कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में हम राइट करेंगे अब देखो ये जो डेसिमल है कितने प्लेस मूव की है यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव प्लेस मूव की तो नेगेटिव हमारे पास यानी जो फाइव हमारे पास कौन से फिफ्थ नंबर पे था तो यहाँ से टेन की पावर माइनस फाइव तो इस तरह से सभी हम ऐसे काउंट करेंगे यहाँ से सेम एज जैसे यहाँ पे हमारे पास अब इसको मूव करेंगे क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव टू सिक्स ज़ीरो फाइव टू सिक्स ज़ीरो और टेन की पावर डेसिमल वाला नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव में पावर आएगी डेसिमल के बाद नंबर पावर हमारी नेगेटिव होती है अब पॉइंट कितने प्लेस मूव किया यहाँ तक फोर तक टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट प्लेस यानी टेन की पावर एट यानी फोर कौन से प्लेस पर था एट प्लेस पे था तो यहां से टेन की पावर माइनस एट तो दिस इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स को इसको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना एक्सपेंडेड नोटेशन में हमने इसको राइट करना है अब ये हमारे पास क्या टू पॉइंट फाइव सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर एट अब इसको हमने नोटेशन फॉर्म में यानी कंप्लीट नंबर राइट करेंगे अब देखिए कैसे अब ये हमारे पास टू तो कंप्लीट है यहाँ से जो कंप्लीट नंबर है टू है टू के बाद कितने प्लेस हैं एट प्लेस हैं पावर एट है तो एट प्लेस हैं यहाँ के बाद अब कैसे वन प्लेस टू प्लेस थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ से हमारे पास सेवन और एट टोटल प्लेस कितने होने चाहिए एट यानी इन दोनों को भी साथ में काउंट करेंगे ये टेन की पावर एट है यानी टू के बाद आपके एट प्लेस होंगे टू प्लेस तो ये और सिक्स ज़ीरो आ जाएंगी तो ये हमारे पास होगा आंसर यहाँ पे थ्री थ्री के बाद कितने प्लेस आएंगे टेल्व कोई नंबर नहीं है तो इट मीन जीरो की जीरो आएंगे अब यहाँ पे देखो इस नंबर में सिक्स टेन की पावर सिक्स यानी सिक्स के बाद डेसिमल कितने प्लेस के बाद है वन तो ये है ऑलरेडी ये तो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी यहां तक हमारे पास इतने नंबर हमारे पास आएंगे उसके बाद डेसिमल आएगा अगर डेसिमल क्या कोई नंबर आएगा तो ठीक है वरना डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं तो ये हमारे पास होंगे टोटल प्लेस अब ये डी पार्ट पावर हमारी नेगेटिव भी है नेगेटिव का मतलब हमारे पास फाइव फाइव कौन से नंबर पे है नाइन्थ नंबर पे है। वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी यहाँ पे हमारे पास जो इसको नेगेटिव यानी ये सभी डेसिमल वाले नंबर हैं तो हम डेसिमल के लिए उतने ही प्लेस मूव उतने ही प्लेस पीछे चले जाएंगे सिंपल नंबर के लिए उतनी ही हम आगे चले जाते हैं नेगेटिव में हम प्लेस उतने ही पीछे मूव कर देंगे यानी जो हमारा नाइन फाइव है वो नाइन्थ प्लेस पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन्थ नाइन्थ, नाइन्थ प्लेस पे है सेम इसके अंदर हमारे पास देखो एट नाइन तो ऑलरेडी हैं ये तो हमारे पास पहले ही है ये हमारे पास शो करता है वन मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस सेवन यानी जो ये वन है ये सेवनथ प्लेस पे है कैसे कौन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन प्लेस के बाद आपकी डेसिमल है सेम हमारे पास यहाँ पे अब ये आपका ये नंबर तो ऑलरेडी है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे ये तो ऑलरेडी डेसिमल के अंदर आया हुआ है टेन की पावर माइनस सिक्स यानी जो नाइन है नाइन से कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट के बाद आपका डेसिमल है माइनस में पावर है तो इट मीन्स उतने ही नंबर के बाद डेसिमल है अगर पावर पॉजिटिव है तो इट मीन्स आगे जो डेसिमल है उतने ही प्लेस आगे चला जाएगा सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लेस आएंगे उसके बाद डेसिमल आएगा अगर डिजिट है तो वैल्यू होगी डेसिमल की अगर वो जीरो हो तो वैल्यू नहीं होगी So this is your answer. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.